दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे आने वाला एड को परमानेंट बंद कैसे करें? अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे बार बार एड आ रहा है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो मोबाइल के अंदर या व्हाट्सएप पे किसी से भी आप चैट करते हो, बातें करते हो ना, तो अचानक मोबाइल स्क्रीन पे एक एड होने लगता है। हर 10 सेकंड के अंदर आपके स्क्रीन पे बार-बार ऐड आएगा। जैसे कि मैं कट कर रहा हूं, तो मैं यहां पे WhatsApp के अंदर किसी से जा रहा, मैं कॉल करने जा रहा था और अचानक मोबाइल स्क्रीन पे एक ऐड शो होने लगा। तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, तो बार-बार आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऐड आएगा। तो आप इसे परमानेंट कैसे आप बंद कर सकते हो, मैं आपको ऐसी खतरनाक खुफिया ट्रिक बताऊंगा जो हमेशा के लिए कभी जिंदगी में मोबाइल स्क्रीन पे ऐड शो नहीं होगा, आप उसे बंद कर सकते हो। कैसे बंद कर सकते, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्यू ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना, कमेंट के अंदर नाइस ट्रिक या नाइस वीडियो लिखना काफी जरूरी है, सभी को लिखना है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों सबसे पहला खतरनाक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा। टोटल मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहला ट्रिक यह है कि आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये ट्रिक को यूज करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो सेटिंग आप देख रहे हो ना, आपको इस सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे आप इस सेटिंग के अंदर आप जाओगे ना, जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन को यानी कि आप अपने मोबाइल की जो सेटिंग है ना, पूरा डार्क मोड आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला ट्रिक है कि आपको डार्क मोड करना होगा। तो ये जो मोबाइल यहां पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस होगा ना, इस पे आपको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये जो डार्क मोड है ना, इसे आपको डार्क मोड कर देना होगा। तो जैसे आप डार्क मोड करोगे ना, तो इससे आपको पता चलने वाला है कि आपके मोबाइल के अंदर बार बार जो ऐड आ रहा है किस वजह से आ रहा है, आप उसे परमानेंट आप बंद कर सकते हो। तो आपको मोबाइल स्क्रीन को पूरी तरह से मैंने यहां पे डार्क मोड कर दिया। डार्क मोड करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहां पे एक खतरनाक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप जो देख रहे हो ना, यहां पे ऐप मैनेजमेंट करके एक सेटिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये जो ऐप मैनेजमेंट सेटिंग है ना, आपको जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे फिर से आप वापस से यहां पे ऐड आ रहा है। जैसे कि मैं ट्रिक बताने ही जा रहा था, वापस से एक और ऐड यहां पे देखने को मिल रहा है। और ये ऐड कहां से आ रहा है, जैसे कि यहां पे मैं फिजिकल बटन दबाता हूं तो यहां पे देख सकते हो आपको एक नया जो है ना, एक आइकॉन दिखेगा, ना तो ऐप है लोगो दिख रहा है ऐप का, ना तो यहां पे आपको ऐप का नाम यहां पे दिखने को नहीं मिला जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन यहां पे बैकग्राउंड के अंदर सेटिंग के अंदर जा रहा हूं तो सेटिंग का नाम दिख रहा है, व्हाट्सएप का लोगो भी दिख रहा है और यहां पे देख सकते हो व्हाट्सएप का नाम भी दिख रहा है। जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हूं बैकग्राउंड के अंदर, तो क्रोम ब्राउजर का लोगो भी दिख रहा है, यहां पर नाम भी दिख रहा है। लेकिन जिस पे आपको एड दिखने को मिल रहा है, यहां पर आपको ना तो लोगो दिख रहा है ना तो नाम दिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। और बार बार आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको एड दिखने को मिलता होगा। तो आप इसे कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले इस ऐड को यहां पे मैं कट कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कट कर देता हूं, ठीक है। जैसे कट करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड से यहां पे हटा देना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड से हटा दिया, हटाने के बाद मैं सेटिंग के अंदर जाता हूं, तो यहां पे डार्क मोड में इसलिए किया था कि वो जो आइकॉन है व्हाइट कलर के अंदर आपको नहीं दिखेगा, यानी कि मोबाइल का स्क्रीन जो है ना ब्राइटनेस होगा व्हाइट कलर का, उस पर आपको नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पर डार्क मोड किया था। तो डार्क मोड करने के बाद दोस्तों यहां पर ऐप मैनेजमेंट है ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ऐप मैनेजमेंट के अंदर आप जाओगे ना, जाने के बाद दोस्तों यहां पे करना क्या होगा, यहां पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले ओवर अदर एप्स आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे काफी सारा सेटिंग आपको दिखने को मिल जाएगा, सभी ऐप पे आपको नाम दिखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख रहे हो। और जो जो ऐप का लोगो दिख रहा है, नाम दिख रहा है ना, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और ये सभी एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर के अंदर से इंस्टॉल किया हूं, लेकिन आपको पता लगाना है वो एप्लीकेशन को पता लगाना है कि जिसका नाम नहीं है और जिसका लोगो भी नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, आपको नीचे यहां पे धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा, आपके मोबाइल के अंदर 100 या 50 एप्लीकेशन है ना, तो एक एक करके आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे मिल चुका वो एप्लीकेशन, आप देख सकते हो यहां पे मिल चुका और यहां पे व्हाइट कलर का यहां पे लोगो दिख रहा है। अगर आपको सोच के देखो कि डिस्प्ले आपका व्हाइट रहेगा, ब्राइटनेस वाला रहेगा, तो आपको नहीं पता चलेगा और बार बार आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एड आएगा और आप इससे परेशान हो जाओगे। बार बार यहां पे एड दिखने को मिला, वापस से देख सकते हो यहां पे एक और एड यहां पे दिखने को मिला, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहां पे मैं कट कर देता हूं, ठीक है। और जैसे कट करने के बाद यहां पे कट भी नहीं होता, क्योंकि देख सकते हो फिजिकल बटन वही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, यहां पे कट कर देता हूं।
देता हूं। कट करने के वापस से सेटिंग यहां पे क्लोज हो चुका, मैनेज में जाता हूं और यहां पे डिस्प्ले ओवर ऐप के अंदर जाता हूं। नीचे जाओगे तो यहां पे नीचे जाने के बाद इस ऐप को आपको बंद कर देना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये पहला सेटिंग बंद करना काफी जरूरी है। तो ये सेटिंग को बंद करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको दूसरा नंबर का खतरनाक ट्रिक यूज करना पड़ेगा। दूसरा नंबर का खतरनाक ट्रिक यूज करने के लिए आप जो देख रहे हैं ऐप लिस्ट आपको नजर आता होगा, ऐप लिस्ट इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप होगा, जितनी भी सिस्टम वाला ऐप होगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप जो देख रहे हो ना आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, बिना नाम का बिना लोगो का आपको ये एप्लीकेशन जो ना आपको नहीं दिखेगा आपके होम स्क्रीन पे और बार बार डिस्प्ले पे ऐड आएगा। तो आपको करना क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो एप्लीकेशन आपको डार्क मोड में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट में आपको दिखने को मिल रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करोगे ना तो जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको देख सकते हो यहां पे ना तो लोगो दिख रहा ना तो नाम दिख रहा है। तो आपको फटाक से ना इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा, ध्यान से आपको समझना होगा, इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा। बस अनइंस्टॉल करने के बाद ये दो ट्रिक आपने यूज कर लिया तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ऐड बार बार ऐड नहीं आएगा, इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा, वो भी परमानेंट के लिए आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे ऐड नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको तीसरा नंबर का खतरनाक ट्रिक यूज करना होगा। तो तीसरा नंबर का खतरनाक ट्रिक यूज करने के लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, आपको थ्री डॉट पे जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाओगे ना, सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाओगे ना तो यहां पे आपको साइड सेटिंग्स होगा, इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पे एड्स दिखने को मिल जाएगा, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना तो ये ऑन होगा, आप इसे बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद आपको परमानेंट हमेशा के लिए मोबाइल स्क्रीन पे जो बार बार जो एड आता है ना हमेशा के लिए परमानेंट वो बंद हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे आपको एड दिखने को नहीं मिलेगा। दो मिनट तीन चार मिनट यहां पे हो चुका वीडियो बनाते हुए, यहां पे कोई भी अभी तक एड दिखने को नहीं मिलेगा, परमानेंट यहां पे खत्म हो चुका। तो मैंने आपको बता दे कि ये जो एप्लीकेशन कैसे आता है। दोस्तों क्या होता है कि कोई कोई कंपनी वाले जो ना ओप्पो वीवो सैमसंग कहते नहीं, लेकिन जो अदर डिवाइस होते हैं ओप्पो वीवो या सोमी का हो गया या पोको हो गया, ये सभी एप्लीकेशन के अंदर एड आपको दिखने को मिलता है जो कंपनी वाले बाय डिफॉल्ट देते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि अदर सोर्स से आप वेबसाइट के अंदर जाते हो और ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, जो आप लोग को नहीं पता होता, ठीक है, अंदरूनी डाउनलोड हो जाता है और बार बार आपको एड दिखने को मिलता है और आप इससे परेशान हो जाते होंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर बता दिया कि किस तरीके से आप एड को बंद कर सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।